कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में जनपद के सभी इंटर कॉलेज एवं डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल एवं प्रबंधक के साथ बैठक किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के साथ में जनपद के सभी इंटर कॉलेज तथा डिग्री कॉलेज के प्रबंधक एवं प्रिंसिपल के साथ बैठक की गई है। उन्होंने बताया कि कोविड की तीसरी लहर के दृष्टिगत जो टीकाकरण 15 साल से 17 साल की उम्र के छात्र छात्राओं को शासन के निर्देशानुसार लोगों के लिए प्रारंभ किया गया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए तथा उनकी प्रतिभागिता उनके संयोजित तरीके से काम किया जाए। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी बैठक की जा चुकी है तथा आज ब्लॉक लेवल के स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ बैठक की गई ताकि और तेज गति से इस टीकाकरण की संख्या को आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि 25 तारीख से पहले 100% सभी 15 साल से 17 साल के छात्र छात्राओं को टीकाकरण पूर्ण किया जा सके। इस बैठक में एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे तथा एडिशनल सीएमओ एएन प्रसाद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, एक निवेदन है, हमारे यहाँ इंटर कॉलेज में 9 से 10 तक जो बच्चे हैं, आधा में उनका 13 साल है, जो 15 साल हो गया, गार्जियन बच्चे दोनों परेशान है, कैसे करा आधार कार्ड का कैसे हो जाता है, बोर्ड में रजिस्टर्ड हो चुके नहीं, बोर्ड में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, बोर्ड में आपके आपके हाईस्कूल में इसमें कोई भी आईडी कार्ड, कोई भी जो टीका लगा रहा है, टीका लगा रहा है उसमें कोई भी आईडी कार्ड आप दे सकते हैं, जिसमें भी उनका आईडी कार्ड सही है वो करा दीजिए, आधार ही दे रहे हैं सर, नहीं और कोई आईडी कार्ड दे सकते हैं ना, कोई भी आईडी कार्ड इसमें तो ये भी सकते हैं ना, तो क्या स्कूल की आईडी भी दे सकते हैं, संपर्क किया 7 तारीख के लिए हमने और 8 तारीख के लिए 2 दिन का हमने डेट दिया, 7 तारीख हमारे 640 टीकाकरण हुआ, 8 तारीख को 834 टीकाकरण हुआ, उसके बाद मिला था, लेकिन बुध को बच्चे हमारे आए हुए थे, लेकिन मवेशी से बात की, उन्होंने कहा कि आपकी कमिश्नर साहब के नेतृत्व में लगा दिया गया है पुलिस लाइन, मतलब ये तो आप लोग पता होगा, आपकी थोड़ा सा हम लोग की तंत्र पे थोड़ा संवेदनशीलता बरतनी पड़ेगी, आपके यही कॉलेज है जहाँ में हमें 400-500 साइट पे काम करना पड़ता है, अभी तो 600 साइट करीब 45 लाख टीके लगे हैं, आप सोच सकते हैं इस तंत्र ने इतना काम किया, 2 साल में स्वास्थ्य तंत्र ने काम किया, वो क्या लिया है, बहुत बड़ा काम हो, तो थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी लगाने की, ये कोऑर्डिनेशन मैं चाहता हूँ कि माइक्रो लेवल पे हो जाए आपके और एमआईसी के बीच में, कहीं कहीं कोई त्रुटि हो गई तो कोई बात नहीं, बिना 18 साल से ऊपर के ज्यादा बच्चों को नहीं लेना, और कोई भी आईडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा सर, कोई भी आईडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा आधार कार्ड के अलावा। आज सभी इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजेस के प्रबंधक अथवा प्रधानाध्यापक के साथ बैठक की गई है स्वास्थ्य विभाग के संग, उद्देश्य ये था कि जो अभी कोविड के तीसरे लहर के दृष्टिगत जो हम लोगों ने जो टीकाकरण 15 से 17 साल की उम्र के लोगों के लिए प्रारंभ किया है शासन के निर्देशानुसार, उसको आगे बढ़ाने के लिए उनकी प्रतिभागिता उनके सुनियोजित तरीके से काम करते सामंजस्य के लिए किया गया था, इसके पहले भी ऐसी बैठक हुई हैं और अभी ब्लॉक लेवल के स्वास्थ्य टीम के साथ उनका सामंजस्य बैठाया गया है ताकि और गति से इस संख्या को आगे बढ़ाया सके और 25 तारीख के पहले 100% सभी 15 से 17 साल के छात्र छात्राओं को टीकाकरण पूर्ण किया जा सके।